Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayyed Saad Qadri. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। 18 ज़ुलहिज्जा को बाज़ लोग गदीर खुम के वाक़े की याद में ईद गदीर खुम जो है वो मनाते हैं। अव्वल तो ये कि इसके ईद का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं, ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इसको मनाया या हुक्म दिया, ना सहाबा की जिंदगी में, ना अहले बैत ने इसे कभी मनाया, ना मौला अली करमल्लाहु वजहू जिनकी तरफ इसकी निस्बत की जाती है उन्होंने इसको मनाया। वाक़या क्या है इस पर मैं बड़ी तफसील से आपको सीरतुन नबी के दुरूस में कोई 1 घंटे का दर्स दे चुका हूँ गदीर खुम के वाक़े से मुताल्लिक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अपने आखिरी सफर हज से मदीना जब वापस आ रहे थे, जो भी उसका एक बैकग्राउंड हो वो मैं आपको अपने जानना है तो गदीर खुम का वाक़या आप तफसील से वहाँ सुन लें सीरत नबी में। तो एक मुकाम है गदीर खुम, ये मक्के और मदीने के दरमियान है, वहाँ पर एक खुतबा इरशाद फरमाया। उस खुतबे में हजरत अली करमल्लाहु वजहू की निस्बत आपने इरशाद फरमाया, मन कुंतु मौलाहु फअली मौलाहु, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। और मौला का माना भी मैंने आपको बड़ी तफसील से समझा दिया, मौला अपने किसी भी माना में खलीफा नहीं होता। तो जो इस जुमले से खिलाफत का माना इस्तदलाल करते हैं ये सख्त उनकी गलत फहमी है और गुमराही है, क्योंकि इस माना में इस जुमले को मौला अली ने खुद इस्तेमाल नहीं किया कभी। भाई अगर तो ये माना खिलाफत में होता तो सिद्दीक अकबर से मौला अली फरमाते कि भाई हुजूर ने तो मेरी खिलाफत का फैसला इस जुमले से कर दिया, खलीफा तो मैं होऊंगा। हजरत उमर से कहते, हजरत उस्मान से कहते, हजरत मुआविया से कहते, हजरत अली या आपकी औलाद ने इमाम हसन हो या इमाम हुसैन हो, कभी इस जुमले से खिलाफत का इस्तेदलाल पकड़ा ही नहीं। ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, ना इमाम जाफिर ने, ना इमाम बाकिर ने, किसी ने इस जुमले से खिलाफत का इस्तेदलाल लिया ही नहीं। ये तो बाद के लोग हैं जिन्हें खबर ही कोई नहीं है, बाल है, गुमराह लोग हैं, गाली लोग हैं, नस ये अपने समझ लें कि अपने गुमराही में इन्होंने इस किस्म की बातें कर ली। बहरहाल इस खुतबे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसूद ये बतलाना था कि मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के महबूब और मुकर्रब बंदे हैं, इनसे और मेरे अहले बैत से ताल्लुक रखना ये तुम्हारी ईमान का तकाजा है, और इनसे बुग़्ज़ो अदावत व नफरत व कदूरत ईमान के मुनाफी है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का ये फरमाना कि मन कुंतु मौलाहु फअली मौलाहु, कई सहाबा से ये मरवियात मौजूद है, 150 से ज़ायद सहाबा से रिवायत मौजूद है इन जुमलों, और ये खिलाफत के लिए ऐलान नहीं था बल्कि मौला अली की कदरों मंजिलत बयान करना मकसूद था, और हजरत अली की मोहब्बत को एक फरीजा लाजमी उम्मत को समझाना कि तुम्हारी जिम्मेदारी करार दी गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात इत्तबाए सुन्नत है, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के इस फरमान को पूरा करते हैं। लेकिन इस फरमान का ये तकाजा हरगिज नहीं है कि हम कोई एक नया दीन में कोई एक नया दिन ऐड कर लें, ईद मनाई जाए। अच्छा हुआ ये क्योंकि ये खुतबा जो है ये माहे ज़िलहिज्जा में हुआ जो ये महीना चल रहा है, इसलिए एक फिरके ने इससे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत बिला फसल से की इस्तेदलाल पकड़ लिया उन्होंने, क्योंकि वो शुरू से एक सबाई टोले के ये जो अजीबो गरीब से तोहमात दिमागों में डाले गए और फिर बाद में चल के वो एक उनकी मेन स्ट्रीम थॉट प्रोसेस बन गया कि माहे ज़िलहिज्जा की 18 तारीख को इसी खुतबे की मुनासिबत से भाई ईद मनाएंगे और इसे फिर ईद गदीर का नाम भी दे देंगे। अब चाहे इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई, एक हाकिम था मुइज़्ज़ुद्दौला, उसने 18 ज़िलहिज्जा को, और ये बात बताए कब की है, अब से कोई करीबन 1100 साल पहले, यानी सहाबा का दौर गुजर गया, ताबईन का दौर गुजर गया, तबा ताबईन का दौर गुजर गया, मुहद्दिसीन का दौर गुजर गया जो सियासत्ता के मुहद्दिसीन है, उन सब के दौर के बाद 351 हिजरी में बगदाद में उसने हुक्म दिया ईद मनाने का, उसका फिर ईद गदीर खुम या ईद खुम गदीर जो भी है इस तरह का कोई नाम रख दिया उसने। अच्छा अब देखें इसके अंदर कि 18 ज़िलहिज्जा को ही वो तारीख है, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की भी तारीख है, जिसका तकाजा ये है कि बाज लोग अपने हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु से जो बुग्ज है उसका इजहार भी करते हैं इस दिन, क्योंकि ये ज्यादातर तो वही लोग है ना जो पहले
बागी बन गए, बागी बन के मदीने में आ गए, मदीने में आके बागी बन के दाखिल हो गए और उसके बाद हजरत अली के हाथ पर बैयत करके उस जमात में शामिल हो गए। फिर बाद में जो है जंगे जमल में इन्होंने ऐसा किरदार अदा किया जिससे हजारों लोग शहीद हो गए। फिर उसके बाद जब उधर भी बात ना बनी और देखा कि भाई जंगे सिफीन में अब मामला ठंडे हो रहे हैं तो खवारिज बन के खारिज हो गए हजरत अली के पास से। ये वही टोला है, इनका कभी भी दीन से वास्ता नहीं रहा, ये खुराफात ही में रहे, हमेशा गुमराह ही रहे। हजरत उस्मान के खिलाफ भी इनका निकलना गुमराही थी और जंगे जवल में इनका मुसलमानों को आपस में यूं अपनी जो है हरकतों की वजह से लड़ा देना, रात में शब खून मार के दोनों जगहों को आपस में जंग करवा देना, ये क्योंकि ये फसादी लोग है ना। और अल्लाह क्या फरमाता है कुरान में, अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। और फिर बाद में हजरत अली के साथ वैसे तो जुड़े रहे लेकिन जब देखा कि अब मुसलमान फिर एक हो रहे हैं सिफीन के बाद तो फिर खारिजी होके निकल गए साइड पे। हालांकि हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को इनके पास भेजा लेकिन इन्हें थोड़ी दीन समझना था, इन्होंने कुरान में गलत तावीलात करना शुरू कर दी, कुरान ही को सामने रख के मौला अली को के ऊपर कुफर का फतवा माजअल्लाह लगा दिया, अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। फिर आगे चल के वो लोग जो शियान अली बन के हजरत अली का दम भरते रहे, हजरत हसन का साथ छोड़ बैठे, इमाम हुसैन का साथ छोड़ बैठे, ये कूफे वाले इन्हें आले बैत से क्या गर्ज कोई, इन्हें तो अहले बैत की मोहब्बत बस नाम की थी, ये नाम की मोहब्बत करते करते आगे बस ये दिन रह गए थे मनाने के, ये वही मना के खुश होते रहते, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हालांकि अहले बैत की तालीमात पर अमल करना असल दीन है, इस्लाम का निफास ये असल दीन है, नमाजों की पाबंदी, कुरान करीम की तालीमात पर अमल पैरा होना, उम्मत मुस्लिमा का इकट्ठा होना, ये तो फितना परदाजियों वाली हरकतें हैं कि तुम एक ऐसी अपनी तरफ से चीज ऐड कर लो और दिन भी वो खास चुनो जिसमें हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हो। तो तकाजा क्या है कि मुसलमानों को इस तरह की खुराफात से दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। इस तरह का कोई हुक्म हमें न हुजूर की जिंदगी में मिलता है, न सहाबा, न अहले बैत, किसी ने इस दिन की कोई इस तरह नहीं मनाई जिस तरह इसको एहतमाम से मनाने का एहतमाम किया जाता है। दीन इस्लाम में इस किस्म के किसी त्योहार की कोई गुंजाइश नहीं है कि उसे रिलीजियसली मनाया जाए। बारह, तो इसमें शिरकत करना भी दुरुस्त नहीं है और इसको मनाना भी जायज नहीं है। अल्लाह ताला हिदायत दे। और क्या कह सकते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आपकी सहूलत के लिए WhatsApp का ग्रुप भी बना हुआ है और Telegram का चैनल भी बना हुआ है, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।